हे गाइस, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल किड्स स्टडी। मैं हूँ पूजा और इस टाइम हमारे किड्स स्टडी में स्टैंडिंग लाइन चल रहा है गाइस। तो अगर आपने ना इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो यहाँ जाकर उन वीडियोस को देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोस हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडिंग लाइन में खड़ी लकीर। तो आज की वीडियो ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपको एक ही वर्क में दो चीज़ें सिखा सकूँ, यानी एक तीर दो निशाने वाला वर्क। तो इसी कोशिश को ध्यान में रख के ना मैंने आज का ये वीडियो रेडी किया है। और आज के इस वीडियो की खास बात ये है कि हम बच्चों की राइटिंग स्किल इम्प्रूवमेंट के साथ साथ ना उनकी जीएस यानी जनरल नॉलेज भी हम इंक्रीज करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने कौ की पिक्चर ड्रॉ कर ली है और साइड में मैं एक छोटे से बच्चे स्मॉल बॉय की पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल सी ड्रॉइंग बनाती कि कोई भी यार इसे ड्रॉ कर सके। और साइड में मैं कैट को ड्रॉ कर रही हूँ यानी बिल्ली को। अगर आपका बच्चा भी ना पढ़ता नहीं, उसका मन नहीं लग रहा है ना, छोटा बच्चा है, तो आप भी ना उसे यार इस टाइप से होमवर्क दीजिए। तो देखिएगा आप ना, आप होमवर्क देते देते थक जाएंगे बट वो वर्क करते करते नहीं थकेगा। तो इससे बच्चे ना अट्रैक्ट होते हैं। सिंपली फूड देखे किसी को नहीं पसंद आता, लेकिन उसी फूड को थोड़ा सा सारी चीज़ों से सजा देना, सलाद अचार, तो हर किसी को पसंद आता। सेम ऐसे ही होमवर्क का भी सीन यही रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ग्रास को बना लिया है, साइड में आइसक्रीम, और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक माउस यानी चूहे को। तो आप समझ गए होंगे, समझदार तो हैं, जैसे गाय क्या खाती है घास, बच्चा क्या खाएगा आइसक्रीम, बिल्ली क्या खाएगी चूहे को। तो यहाँ पे देखिए स्टैंडिंग लाइन तो ड्रॉ हो रही है, साथ में बच्चे की जीएस भी इंक्रीज हो रही है कि कौन सा कैरेक्टर क्या फूड खाएगा। तो अगर आप इस टाइप से होमवर्क देंगे ना, तो बच्चे का जो ब्रेन है वो काफ़ी बूस्ट होगा, चीज़ें सीखेगा, साथ में उसकी जीएस भी बढ़ेगी। तो आप भी ना इस टाइप के होमवर्क दिया करिए कि एक तीर से आपके दो निशाने वाले वर्क हो जाए। तो सेम उसी वर्क की तरह हम यहाँ पे भी एक वर्क दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने मैंगो की पिक्चर ड्रॉ कर ली है और एक स्मॉल बॉय और साथ में एक स्नैक। अभी हम यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक पेड़ को और साइड में मैं ड्रॉ कर लूँगी एक हाउस। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अब इसमें क्या जीएस होने वाली है। जी हाँ, समझदार तो हैं आप सभी। और यहाँ पे मैं पोल को ड्रॉ कर लूँगी। तो देखिए जैसे मैंगो कहाँ आपको रहेगा, पेड़ में पिलेगा यानी ट्री पे, बच्चा कहाँ रहेगा हाउस में, स्नैक कहाँ रहता है होल में यानी बिल में। तो इस हिसाब से देखिए होमवर्क भी कितना इंटरेस्टिंग हो गया, साथ में उनकी राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव हो गई। तो अगर आपको ना आज का ये वीडियो पसंद आया यार, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।